हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित क्रिकेट और आप देख रहे हैं डिफरेंट आइडिया टेक। आज की इस वीडियो में हम एक एलईडी टॉर्च लाइट बनाना सीखेंगे जो कि रिचार्जेबल होगा और ये 12 घंटे तक वर्क करेगा। और इसका इधर चार्जिंग पॉइंट है और ये इस तरह से चार्ज होगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, यानी ये चार्ज हो रहा है। तो चलिए इसका बनाना सीखते हैं। एक डब्बा लेंगे और स्विच और चीप एलईडी डायोड, 1 के रजिस्टर, 2.2 ओम रजिस्टर, एक एलईडी, एक चार्जिंग सॉकेट, एक बैटरी और एक टाई। तो सबसे पहले इस डब्बा में जो हीट सिंक होता है, एलईडी का हीट सिंक, उसे रख के यहाँ दो मार्क करेंगे और इसमें जो हम होल करेंगे ताकि एलईडी का वायर अंदर में ले सकें, और इसमें थोड़ा स्क्रैप कर देंगे और ये एलईडी का ठीक सीधा पीछे में एक होल करेंगे जहाँ पर ये स्विच लगाएंगे। इस तरह यहाँ पर एक होल करेंगे, ये तो हमारा होल हो चुका है, यहाँ पर ये स्विच लगेगा। और एक होल करेंगे जो कि चार्जिंग सॉकेट का होगा यहाँ पर, और एक चार्जिंग इंडिकेटर के लिए होल करेंगे, ये हमारा हो चुका है। और बैटरी जो हम फिक्स करेंगे बैटरी अंदर में, तो इसके लिए भी दो होल कर देंगे ताकि इसे टाई की मदद से बांध देंगे। और चीप एलईडी को हीट सिंक के ऊपर में सोल्डिंग कर देंगे, ये तो हमारा सोल्डिंग हो गया। और इसको जो हम ग्लू गन की मदद से यहाँ डब्बा में इस तरह से फिक्स कर देंगे और इसमें एक स्विच लगाएंगे इस तरह से, और स्विच का जो नट होता है उसको हम टाइट कर देंगे। ये तो हमारा स्विच फिट हो चुका है। अभी हम एक चार्जिंग सॉकेट लगाएंगे इस तरह से, हमने पुश कर दिए, और जो अंदर की तरफ से हम इसमें ग्लू गन दे के इसको फिक्स कर देंगे। ये तो हमने इसमें ग्लू गन दे दिए और ये फिक्स हो चुका है। और जो अभी हमारा जो चार्जिंग इंडिकेटर है, इसका नेगेटिव वाला वायर को चार्जिंग सॉकेट का नेगेटिव वायर के साथ में इस तरह सोल्डिंग कर देंगे। अभी एक बैटरी जो हमारा मोबाइल बैटरी है, उसमें वायर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिए हैं। और जो एक टाई इस तरह से लगाएंगे और इसमें पीसीबी पाइप का एक छोटा पीस अंदर में डाल देंगे, और हमारा मोबाइल बैटरी, ये दोनों को डाल के इस तरह से हमने टाई को टाइट कर दिए, ये हो चुका है। अभी जो हमारा चार्जिंग इंडिकेटर का पॉजिटिव वायर है, उसमें 1 के रजिस्टर लगाएंगे, इस तरह से हमने सोल्डिंग कर दिए। और इसका चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव के साथ में इस तरह से 1 के रजिस्टर सोल्डिंग कर दिए। फिर जो हम हमारा एलईडी चीप एलईडी का वायर टू सोल्डिंग करेंगे इस तरह से, ये हमारा दो एलईडी का वायर, और एक डायोड लेंगे जो कि हमें चार्जिंग सॉकेट का पॉजिटिव वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और एक वायर इधर स्विच के साथ में कनेक्ट करेंगे। और हमारा जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है, उसे डायोड का पॉजिटिव वायर के साथ में इस तरह कनेक्ट कर देंगे। ये तो हमारा सोल्डिंग हो चुका। अभी हम 2.2 ओम का रजिस्टर लेंगे, उसको स्विच के ऊपर पॉइंट में इस तरह से सोल्डिंग करेंगे, देख सकते हैं ये स्विच में सोल्डिंग हो चुका है। और जो हमारा चीप एलईडी का पॉजिटिव वायर को हम इस तरह से 2.2 ओम का रजिस्टर के ऊपर में सोल्डिंग कर देंगे, ये तो हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अभी हमारे पास दो वायर बचे जो कि एलईडी का नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, और इसको जो हम चार्जिंग सॉकेट का नेगेटिव वायर के साथ में इस तरह से, देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे।
ये तो हमारा कनेक्ट हो चुका। अभी हमारा ये देख सकते हैं, अभी हमारा टॉर्च बन चुका है, ये हमारा जल चुका देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रोशनी दे रहा है। और जो इसको हम चार्ज में लगाएंगे अभी, इस तरह से हमारा जो लाइट इंडिकेटर ग्लो करेगा। इसके ढक्कन देखते हैं, ये हमारा बढ़िया से काम करने लगा है देख सकते हैं। ये इसका बैकअप है 12 घंटा। तो इस तरह से आप भी अपना घर पे टॉर्च लाइट जो कि रिचार्जेबल होगा इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।